देखो, सामना ने बहुत अच्छी बात कही है और हमेशा करते रहते हैं, और आज भी उन्हें जो कहा है वो कांग्रेस के हित में ही कहा है, और जो उम्मीद उनकी है कांग्रेस के प्रति, 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही देश में केंद्र की सरकार बनेगी। देखो, आज अभी हमारे पास ऐसी कोई चर्चा नहीं है, हाईकमांड डिसीजन लेगा उस पर, लेकिन अभी महाविकास अघाड़ी में रिसपल का कोई अभी तक चर्चा कोई शुरू नहीं हुई, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ बोलना अच्छी बात। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो आए थे कि देश में जिस तरह से केंद्र के बीजेपी की सरकार ने डीजल, पेट्रोल और गैस की जो वृद्धि की है, उसकी कीमतें बढ़ाई है, जिससे आम आदमी का जीना दुभर हुआ है, उस व्यवस्था के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन कर रही है। वो केंद्रीय हमारे नेता है, वो यहाँ प्रेस करने आए थे। आज भी महाराष्ट्र में यह आंदोलन चालू है। कल हम कुछ मंत्री और हमारे कुछ नेता लोग को लेके कल गवर्नर जी को हम निवेदन देने जाने वाले हैं। कल 12:30 बजे हम लोग 12 बजे कल गवर्नर जी के यहाँ पे जो ये महंगाई बढ़ रही है उसके विरोध में और आम लोगों को जीना दुभर हुआ है उसके बारे में निवेदन देना। मेरा कोई डिमांड पार्टी की तरफ नहीं है, हाईकमांड जो डिसीजन लेगा उसके ऊपर काम करने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ। आपने देखा होगा कि विधानसभा का अध्यक्ष पद का आदेश मुझे आया कि छोड़ने के लिए आया, तो हमने तुरंत छोड़ दिया। मंत्री पद हो या वो जो पार्टी का आदेश होगा वो एक कांग्रेस कार्यकर्ता।